हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भंडारे वाले आलू। जी हाँ, सच में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटे बने हैं और इनका स्वाद बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप नॉर्मली भंडारे में खाते हैं। आप इन्हें रोटी या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ज्योत्सना किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मैंने लिए हैं 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने उबाल के क्रश कर लिया है इस तरीके से। भंडारे वाले आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1/2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है। जीरा लाल हो जाने के बाद मैंने इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाली हैं। अब मैंने इसमें 4-5 कड़ी पत्ते डाले हैं। इसके बाद मैंने इसमें 3 कटे हुए टमाटर और 2 हरी मिर्च डाली हैं। आप देख सकते हैं टमाटर को हमें गलने तक पकाना है। गैस का फ्लेम कम करके मैंने इसे ढक दिया है और इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी ताकि सारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 से भी कम चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर और चाट मसाला डाला है। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि सभी मसाले अच्छे से पक जाएं। जब ये सभी मसाले तेल छोड़ने लगे तब आप समझ जाइएगा कि आपका ये मसाला पूरी तरह से तैयार है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। हींग डालने से इन आलूओं का स्वाद और भी अधिक बढ़ जाएगा। अब मैंने इसमें 5 से 6 उबले हुए आलू डाले हैं, जिन्हें मैंने क्रश कर दिया है। इन्हें अच्छे से हमें मसाले के साथ मिलाना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है। अगर आप इन आलू को और पतला करना चाहते हैं तो इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाल सकते हैं। पाँच मिनट के लिए इन्हें अच्छे से ढककर पकाएं। हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सूखी मेथी डाली है। मेथी डालने के बाद भी आप इन्हें 5 मिनट के लिए कम गैस पर ढक के पकाएं। इससे आलूओं का स्वाद और अधिक बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे ये भंडारे वाले आलू तैयार हो चुके हैं। आप इन आलूओं को किसी बॉल में डाल दीजिए। आप इन्हें पूड़ी, नान या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी मैं इसी तरह से आपको सामने रेसिपी पेश करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।